हेलो एवरीवन, सो लेट्स सी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें भी हमको आईयूपैक नेम पूछ रहा है इस कंपाउंड का। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें, तो क्लोरीन जो है यहाँ पे, क्लोरो इज अ सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को भी आईयूपैक एक फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं बल्कि एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह ही ट्रीट करता है, और जिसका प्रीफिक्स जिसके प्रीफिक्स में हम नाइट्रो वर्ड यूज़ करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। सबसे पहले इसकी पैरेंट चेन जो कि ये दिख रही है हमें, इसके बाद नाउ अब हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूँ तो यहाँ से 1 2 थर्ड पोजिशन पे, सॉरी यहाँ पे हमें थर्ड पोजिशन पे, फोर्थ पोजिशन पे, फिफ्थ एंड सिक्स पोजिशन में, मतलब फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड सिक्स पोजिशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। और अगर हम राइट से अगर नंबरिंग करें तो यहाँ पे हमें थर्ड फिफ्थ, यहाँ पे थर्ड फिफ्थ और सिक्स पोजिशन पे मिल रहा है, मतलब थर्ड फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दिस ये सबसे सही ऑर्डर होगा बिकॉज फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इसमें आ रहा है, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब नंबरिंग हो गई यहाँ से। नाउ वी विल राइट दिस द सब्स्टिट्यूएंट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले हम ब्रोमीन को लिखेंगे, तो इसके लिए हम फोर ब्रोमो लिखेंगे, तो सबसे पहले फोर ब्रोमो आ गया। उसके बाद हम क्लोरीन को लिखेंगे विच इज़ उसके नंबर उसकी पोजिशन के साथ, तो दिस विल बी थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो आ गया। एंड उसके बाद लास्ट में हम नाइट्रो ग्रुप लिखेंगे एन ओ टू का विच इज़ सिक्स नाइट्रो, तो यहाँ पे सिक्स नाइट्रो आ गया। उसके बाद द पैरेंट चेन, सॉरी द वर्ड रूट, तो आठ की पैरेंट चेन है, सिक्स सेवन और एट, आठ कार्बन की पैरेंट चेन है, तो वी विल राइट ऑक्टेन और देर इज़ नो ट्रिपल और डबल बॉन्ड, सो उसके लिए हम एन लिखेंगे। थैंक यू।